भैया सुनो ना भैया, मेरी फ्रेंड्स आई हैं। वो तुम्हारी हरकतें नहीं जानती। नई फ्रेंड्स हैं, पुरानी दोस्तों से तुम्हारी वजह से मेरा झगड़ा हो गया और सुकन्या के दोस्तों ने तो एरिया ही छोड़ दिया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे कमरे में मत आना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ भैया। उठो उठो निकलो, उधर मत आना। हाँ बोला ना, जाओ। राम उसे बुलाओ। क्यों? बुलाओ रम्या, जोर से रम्या। क्या है? यहाँ क्या हुआ? पूछो कि तुमने इसके और सुकन्या के दोस्तों का क्या बिगाड़ा है। अरे क्या हुआ बोलो। तुम्हारे दोस्तों और सुकन्या के दोस्तों क्या? जोर से। तुम्हारे दोस्तों और सुकन्या के दोस्तों का मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझसे पूछ रहे हो सुकन्या? इसे बताओ कि इसने हमारे दोस्तों का क्या बिगाड़ा है। हमसे पूछ रहा है? ए तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? कौन क्या हो रहा है? आवाज कर रहे छे? क्यों बेचारे पे जुल्म कर रहे हो? ये बेचारा नहीं है पापा, इसने मुझे नायडू अंकल की बेटी से मिलवाने के लिए कहा था। पर मैं... चुप कर, मैंने ऐसा कब कहा था? ए तू चुप कर, मैंने नहीं मिलवाया तो ये उससे मिलकर मेरे बारे में कहता है कि मैं अनाथ हूँ। मैं आपको यमुना की सीढ़ियों पर मिली थी, माँ बाप होते हुए भी ये मुझे अनाथ बना रहा है। अरे तुझे मालूम नहीं इसके पैदा होते ही मुझे कितनी बड़ी पनौती लगी थी? पूरे 2,00,000 रुपए लगे थे तब जाके ये पैदा हुई थी। भगवान आपने बस मेहनत करी। ऐसा नहीं है चाचा, मेरी कहानी को ये कुछ और ही समझ रही है। झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस बेचारे को तंग क्यों कर रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से, इतना अच्छा लड़का है, चलो जाओ। इज्जत का फालूदा करने के बाद अब अच्छा लड़का कह रही है? शर्मिला राम हाँ? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे? हेलो बोलो क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? ए कौन है तुम लोग? चुप, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो बंद करो, चलो। शर्मिला से 5 घंटे बाद दूसरा इंजेक्शन देना है। ए बॉबी। अरे राम ए, तेरी मदद चाहिए। पर हुआ क्या? मेरी बुआ के हॉस्पिटल का कैमरा चेक करना। रुक रुक रुक, इस एम्बुलेंस को फॉलो करना प्लीज। देखो कौन से सिग्नल पार किए हैं। जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर, एसआर रोड के सिग्नल के बाद नजर ही नहीं आ रहे। मतलब वो लोग एसआर रोड में कहीं हैं। थैंक्स बॉबी। उसके अखे खानदान को खत्म कर दो रे। पहले ये बताओ
हाँ बॉस, लड़की की बॉडी किधर है? पहले पेमेंट तय कर लेते हैं ना। क्या? वो तो दे चुका हूँ। अगर लड़की बच गई तो आप मारे जाएंगे ना बॉस। आपकी जान की कीमत बस 25 लाख। कितना चाहिए तुम्हें? 2 करोड़ ओनली। ओके। मेरे को लगता है कि मामला जान का है तो रकम बढ़ा देनी चाहिए, तो पूरे 25 करोड़ चाहिए। ए, मुझसे ज्यादा चालाकी मत करना, क्योंकि लड़की तो मर चुकी है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। क्या ना सर, अगर आप डीके हैं तो मैं भी केडी हूँ। लड़की अभी तक मरी नहीं, पूरी तरह जिंदा है। बताना था ना। मुझे लगा कि कोई मुझे ले जा रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पाई। इन गुंडों ने मुझे यहाँ। ए, कौन है तू? इधर कैसे आया तू? हाँ? उधर क्या देख रहा है? क्या है ना सर, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके। सर, हम लोग बस 10 आदमी हैं सर, हमें पता है वो लड़की कहाँ है, हमें बस 10 लाख दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, हम उसे मार देंगे सर। दे दिए, वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। दो मिनट सर, बस 2 मिनट। इतनी देर से तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाई यहाँ पर एक आदमी हमारी बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रहा है। ए, उस लड़की का ऑक्सीजन मास्क निकाल दो, खत्म कर दो उसे। अब कैसी कंडीशन है? ठीक तो है ना? नहीं है, ठीक नहीं है। उसे कोई खतरा है? उसे कोई खतरा नहीं है, बात तुम्हारी है, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। जो है ही नहीं, उसके पीछे भागने से क्या फायदा? तुम्हें कुछ हो न जाए ये सोचकर मेरी जान निकल रही है। तुम्हें कोई फिक्र है कि नहीं? हाँ बताओ, तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे? बुआ, वो आपकी बातें सुन रही है।
सुनने दो, उसे भी तो हमारा दर्द पता चले। कहाँ है वो लड़की, हाँ कहाँ है? शर्म, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, उसे छोड़ दो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, पर मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। प्लीज प्लीज। शर्मिला शर्मिला शर्मिला, शर्मिला शर्मिला, शर्मिला। फिक्र मत कर, उसे कुछ नहीं होगा। राम, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें यह जगह बदलनी होगी। सिर्फ जगह ही नहीं, गाड़ी भी बदलेंगे। चलो। बुआ, उसे अपने डैड के गोदाम पर ले आओ। ठीक है, लाता हूं। सुन, गोदाम पर ले चल। ठीक है। इडियट्स, तुम सबको पीट कर वो पौड़ी ले गया और हम उसके पीछे नाच रहे हैं। सर, आप टेंशन मत लीजिए, वो कहीं भी चले जाए हमसे बच नहीं पाएंगे। उस गाड़ी में ट्रांसमीटर लगा है, अब वो चाहे जहां भी चले जाए हम इसके जरिए उन तक पहुंच ही जाएंगे। यस, गो। आ गया ये सर। राम, अरे राम, आप आगे बढ़िए, आप आगे। कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी इधर आ। आगे भीख मांगती हूँ, उसे छोड़ दो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। ये तो ट्रांसमीटर है, कोई हमें फॉलो कर रहा है, इसे बाहर फेंक दे। क्यों, तुम हंस के मेरा मजाक उड़ाना चाह रही हो? मैं तो एक बुढ़े पर चढ़ी जवानी पर हंस रही हूँ। So what? मैं शक्तिवर्धक चूर्ण लेता हूँ। रमणी, अब तुम्हारे रंभाने का समय आ गया है। Yeah! What is this? अरे पांडू, ये लोग मेरा रेप तो नहीं करेंगे ना? हेलो, तुम्हें उम्मीद है क्या? तू क्या कुछ
ये कौन है? तुम्हारी वाइफ है? वाइफ तो है, लेकिन किसी दूसरे की वाइफ है। मेरी तो लाइफ है। अच्छा, टांका भेड़ा है। सही पहचाना आप जो अच्छी है क्या सर? मैं इसकी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। इस समय मेरे फिजिक्स की पढ़ाई मत करो पांडू। बॉडी कहाँ है? बॉडी है ना सर, ये ड्रम दिख रहा है। ये वाली नहीं, लड़की की बॉडी। की बॉडी ये है। अबे इस औरत की नहीं, उस लड़की की बॉडी। ये बंदरिया दिखती है। आओ, मारते क्यों हो? चुपचाप बता दे वरना गोली मार दूंगा। क्या बताऊं? उस लड़की को कहाँ छिपा है? मैं किसी लड़की को नहीं जानता सर। तो फिर ये क्या है? ये तो दिवाली का एलईडी लाइट है ना। अगर तू लड़की के बारे में नहीं जानता तो उसकी बॉडी पे लगा ये ट्रांसमीटर तेरी गाड़ी के बैक सीट पर कैसे मिला? अभी ये मैं कैसे बताऊं सर? फॉर एग्जांपल ये दूसरे की वाइफ है, मेरी कार में मिली, अब वहाँ तक कैसे पहुँची क्या पता? इसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है सर। सर अब मैं रोज रोज इस बहन से राखी बंधवाऊंगा सर। फालतू आदमी जा। औरत की निगाह में हर आदमी फालतू क्यों होता है सर? भाग यहाँ से। थैंक यू सर, बच गया मेरा।